अहम खबर से आपको आगाह करें। अमीर बलाच टीपू कत्ल केस में लाहौर के मकामी अदालत ने मुलजिम एहसन शाह का मजीद चार रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसान अहमद से। जी एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमीर बलाच कत्ल केस के मुलजिम एहसन शाह का चार रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है लाहौर की जिला कचहरी ने। एहसन शाह को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की और पुलिस ने यह मौकिफ इख्तियार किया कि मुलजिम से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश दरकार है, लिहाजा जो अदालत है वो जिस्मानी रिमांड को मंजूर करे। तो अदालत ने इस पर चार रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिम एहसन शाह को पुलिस की तहवील में दे दिया है। सीआई पुलिस ने एहसन शाह को अमीर बलाच की मुखबरी के इल्जाम में हिरासत में लिया था और सरकारी वकील के मुताबिक एहसन शाह मकतूल अमीर बलाच का करीबी दोस्त है और साथ ही साथ ये जो नामजद मुलजिमान है तीसी भट्ट और गोगी भट्ट उनके साथ ये रबते में था और इसने उनसे रकम लेकर जो है एहसन शाह की मुखबरी की थी। जी, अमीर बलाच टीपू कत्ल केस में लाहौर की मकामी अदालत ने मुलजिम एहसन शाह का मजीद चार रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अपडेट कर रहे थे एहसान अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।